बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह सीएम योगी भी यूपी में आज करेंगे कई रैलियों को संबोधित, जहां पर बदायूं में अमित शाह रैली को संबोधित करेंगे। कानपुर में सीएम योगी की अमित शाह के साथ रैली भी यहां पर की जाएगी। तो मिशन यूपी में यहां पर लगातार सीएम योगी जुटे हैं, जहां पर आज कई रैलियों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तमाम सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए हैं, जहां पर ताकि सुरक्षा पूर्वक सफलता पूर्वक यह पूरा मिशन कामयाब हो सके। तो मिशन यूपी पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह नजर आएंगे, जहां पर सीएम योगी भी यूपी में आज कई रैलियां करते हुए नजर आएंगे। तो बदायूं में अमित शाह करेंगे रैली को संबोधित और कानपुर में सीएम योगी की अमित शाह के साथ कई रैली है। तो तमाम नेता मिशन यूपी पर निकल चुके हैं, वैसे ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी आज रैली को संबोधित करते हुए नजर आएंगे, जहां पर सीएम योगी बदायूं में अमित शाह रैली को संबोधित करेंगे। यानी कि तमाम पार्टियां यहां पर चुनाव प्रचार में जोरों शोरों से लग गई है। तो मिशन यूपी पर निकले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और आज रैली को संबोधित करेंगे, साथ ही सीएम योगी भी आज यूपी में कई रैली करते हुए नजर आएंगे। तो बदायूं में भी अमित शाह रैली को संबोधित करेंगे, साथ ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी साथ में मौजूद रहेंगे। यानी कि काफी अहम माना जाए यह मिशन यूपी। इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। तो विजय जी, यहाँ पर लगातार यहाँ पर योगी आदित्यनाथ और अध्यक्ष अमित शाह की आज दौरे, क्या कुछ लगता है वहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? चंदा बता दूं आपको, बदायूं में आज इस्लामी इंटर कॉलेज के मैदान में आज जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है अमित शाह, उनकी एक चुनावी जनसभा होगी। और ये चुनावी जनसभा जो है वो उत्तर प्रदेश के कद्दावर कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी, जिनको भाजपा ने अपना बदायूं से उम्मीदवार बनाया है संगमित्रा मौर्य, उनके लिए चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके लिए लगभग तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 11 बजे का समय जो है वो निर्धारित किया गया रैली के लिए। अब देखने वाली बात होगी आखिर अमित शाह बदायूं में कितने बजे पहुंचते हैं। विशाल जनसमूह की यहाँ उम्मीद लगाई जा रही है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में पूरे सियासत के तरीके से हर चीज को किसी भी तरीके से अलग नहीं होना चाहती, चाहे वो नरेंद्र मोदी की सभा हो, चाहे अमित शाह की सभा हो, चाहे फिर किसी अन्य नेता की सभा हो, पूरी ताकत के साथ जो है बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि ये ऐसा गढ़ है उत्तर प्रदेश, जिसे कहा जाता है कि यहाँ का माया यूपी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की सत्ता मिलती है। तो कहीं ना कहीं जनता बड़ी रैली यहाँ पर होगी अमित शाह की बधाई में, इसके लिए लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम यहाँ किए गए हैं। पर बधाई में लोकल के नेता और आस पास के जो बड़े नेता हैं वो भी मंच पे उनके साथ रह सकते हैं। चंदा विजय, आप बने रहिए हमारे साथ अगली खबर पे जानकारी के लिए। तो बदायूं में महागठबंधन की साझा रैली की जाएगी, जहां पर धर्मेंद्र यादव के समर्थन में भी रैली की जाएगी। मायावती अखिलेश यादव सभा को संबोधित करेंगे और चौधरी अजीत सिंह भी रैली में साथ में मौजूद रहेंगे। तो एकजुटता का संदेश देने की यहां पर लगातार कोशिश भी की जाएगी।